नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का का किचन में। आज मैं मुंगौरा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो मित्या की दादी ने मुझे बताया है। मुंगौरा की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने उतैले की दाल को 7 से 8 घंटे भिगो रखे हैं। इसको हम 2-3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। इधर मित्या की दादी मुंगौरा की रेसिपी कैसे बनती है वो मुझे बता रही हैं। दाल हमारा धुल गया है तो इसको हम सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। इधर मित्या की दादी कच्चे आम को छील रही हैं। इधर हम उतैले की दाल के साथ पीसेंगे जीरा। हींग लहसुन की हमने कुछ कलियां ली हैं वो भी डालेंगे। कच्चे आम को भी इसमें हम पीसेंगे। साथ में हमने हरी मिर्च भी लिया, इसको भी काट लेते हैं। सभी को हम दाल के साथ पीस लेते हैं। इधर दाल को हमने पीस लिया है। दाल पीसने के बाद अब हम कच्चे आम की चटनी पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने कच्चा आम लिया है, प्याज लिया है, इसमें हमने हरी मिर्च लिया है यहाँ पर। इसमें हम लहसुन डालेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और सिलबट्टे पर इसको हम पीसेंगे। कच्चे आम की चटनी को हमने पीस लिया है। पीसे हुए दाल में हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक को हम दाल में अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर तक हाथों से इसको फेंटेंगे। मिले हुए दाल को हम पानी में डालकर देखेंगे कि ऊपर आता है कि नहीं। तो दाल हमारा ऊपर आ गया है, अच्छे से इसको हमने मिला लिया है दाल को। चूल्हे में जलाएंगे ईंधन को, उसके ऊपर रखेंगे एक पैन। हम इसको पैन में बनाएंगे, पैन में ये चिपकता नहीं है। पैन गरम होने पर डालेंगे इसमें रिफाइंड तेल। इधर मित्या की दादी बता रही है कैसे हाथ में पानी लगाकर किस तरीके से दाल को उठाना है और उसको तेल में डालना है।
इसको हम पलट देते हैं। दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं मुंगौरा का कलर कितना अच्छा लग रहा है और हमारा मुंगौरा पक भी गया है। तो इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। जैसे मित्या की दादी ने बताया था वैसे ही मैं भी बनाती हूँ। मुंगौरा का नाश्ता बनकर हमारा तैयार है। बहुत ही स्पंजी होता है ये, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। साथ में हमने कच्चे आम की चटनी भी बनाई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।